हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज के इस वीडियो में आपको एक पार्क दिखाने जा रहा हूँ जो कोटा के अंदर स्थित है, जो उसका एक उच्च नज़ारा है। और हम इस पार्क की तुलना करेंगे लंदन के पार्क से। व्यक्तियों का कुछ व्यक्तियों का कहना है कि इस कोटा के पार्क के सामने लंदन का पार्क बिल्कुल छोटा और बहुत बदसूरत है। तो आइए देखते हैं कोटा के पार्क का नज़ारा। तो कोची सिटी निर्माण दीन ऑक्सीजन पार्क अब बनकर तैयार हो चुका है। जी ऑक्सीजन पार्क है, ये कोटा पार्क का नज़ारा है जो कोटा के अंदर स्थित है। उसके बाद हम अगली बात करें कि इस पार्क में जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो सुविधा नहीं है, वो सुविधा इस पार्क के अंदर दे रखी है। पूरी घूमने फिरने, नहाने धोने इत्यादि सुविधा इस पार्क के अंदर देखने को मिलती है। इस ऑक्सीजन पार्क के निर्माण में एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा मान जाता है कि 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है इस पार्क को बनाने में। यह पार्क कोटा के अंदर स्थित है। यह पार्क 4 किलोमीटर तक है और जो इसका तापमान है वो ऑक्सीजन के 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर है। उसके बाद हम बात करें कि यूआई का दावा है कि यह पार्क लंदन के सेंट जेम्स पार्क से भी बड़ा है। यूआई टी का दावा है कि जो कोटा के अंदर जो पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, इसकी तुलना लंदन के पार्क से की गई है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि लंदन के पार्क से बड़ा है। लेकिन यूआई टी का कहना है कि लंदन के पार्क से बड़ा कोटा का पार्क है। उसके बाद हम बात करें कि इस पार्क के बीचों बीच एक 1200 मीटर लंबी एक नहर निकाली गई है, जिसमें बोटिंग भी होगी। इस पार्क को खासियत पॉइंट में देखिए, मतलब हम कहना चाहते हैं कि मतलब इस पार्क के बीचों बीच एक नहर निकाली गई 1200 मीटर। उस पार्क के अंदर नाव चलाई जाएगी उस नदी के अंदर, जिसके अंदर मनोरंजन के साधन भी होंगे। उसके बाद हम बात करें कि इस पार्क के अंदर उल्टा पिरामिड, ग्लोबल स्टेच्यू, पिघला लावा, लैमिनरी सर्किल, टर्मिनल सर्किल, ज्ञान सर्किल का निर्माण हुआ है इसके अंदर, इत्यादि चीज़ों का निर्माण किया गया है। उसके बाद में बात करें कि 30 डिग्री के एंगल पर पक्षी विहार बनाया गया है इस कोटा के अंदर। इस पार्क के अंदर जो 30 डिग्री झुके हुए हाथ पे जो एक पक्षी का विहार ढांचा बनाया गया है। उसके बाद में हम की बात करें कि यहाँ आर्टिफिशियल गुफा तैयार की गई है, जिसके अंदर पर्यटक बैठ सकते हैं और उसके अंदर घूम सकते हैं। उसके बाद हम अगली बात करें नहीं, लेकिन उससे पहले यदि हम बता दें आपको, क्योंकि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।